में अन्य के विघ्नों से डीले, एक है जो अन्य हमारे लिए विघ्न करते और एक है उनके भी अपने विघ्न है, दोनों बातें हैं। अन्य आत्माओं के वाइब्रेशंस एक्चुअली ये मेरे स्थिति को बहुत मदद करते हैं, मदद इन द सेंस जैसे आत्माएं, हम सब के कुछ ना कुछ कार्मिक अकाउंट्स है हर कोई आत्माओं के साथ, और वो कार्मिक अकाउंट और इंटरेक्शंस भी पूरे दिन चलते हैं। अब उसके कारण आत्माएं अगर मेरे लिए संकल्प कर रही है और अगर वो प्लेजेंट नहीं है तो वो सारे संकल्प मेरे स्थिति में ऐड कर रहे हैं। और अगर हमारी स्थिति, इसलिए सतोगुणी स्थिति नहीं है, रजोगुणी है या तमोगुणी है, तो उनके जो भी संकल्प है वो मेरे स्थिति को इफेक्ट करेंगे। और अगर सतोगुणी स्थिति होगी ना तो फिर उनके संकल्प हमें इफेक्ट नहीं करेंगे। तो जैसे कई बार कई कहते हैं ना, पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं क्यों नहीं मेरे में ये गुण आ रहा है, पता नहीं मेरे में ये शक्ति क्यों नहीं आ रही है। ये जो सारे संकल्प है वो रीजन है कि दूसरे के संकल्प मुझे इफेक्ट करते हैं। उसके लिए चाहिए बाबा के साथ एकदम निरंतर कनेक्शन। तो जब बाबा से मेरा बुद्धि वो बहुत कंटिन्यूस होगा, जो आज हमारा पुरुषार्थ होगा, तो उनके वाइब्रेशंस का इम्पैक्ट, क्योंकि उनके तो रहेंगे ना, 63 जन्मों के कर्म बंधन, और अभी भी कितने सारे कर्म बंधन चल रहा है रोज के, किसी को डांट दिया, किसी को कुछ कह दिया, तो वो सब कर्म बंधन है। और उनके, मैंने तो एक शब्द कहा होगा, उन आत्माओं के कितने संकल्प चलेंगे मेरे एक शब्द से, वो सारे संकल्प वाणी की तरह मेरे पास आने वाले। इसके लिए बाबा ने कहा कि मेरा बुद्धि योग इसलिए बाबा से होगा, चलो मैंने गलती कर दी, अब उसके बाद अब बाबा से बुद्धि योग और उस आत्मा से सकाश, उस आत्मा को सकाश। तो ये हमारा अन्य के विघन में दो तीन एजेंडा रहेगा। तो एक तो नो इफेक्ट जब बाबा से, तो इसलिए लोटस फ्लावर असर नहीं पड़ेगा उसका जो भी वो कर रहा है, क्योंकि उसके तो संकल्प चलेंगे, और उसके संकल्प चलेंगे नॉट एज इन द प्रोपोर्शन ऑफ माय मिस्टेक, बट उनके संस्कार के अकॉर्डिंग उनके संकल्प चलेंगे और वो सारे संकल्प मुझे इम्पैक्ट करेंगे। तो जस्ट इमेजिन, इसलिए वो कहते हैं ना, वो नदी में एक आप पत्थर मारते हो पर उसका कितना मिलता है, वो जो इसका रिपल इफेक्ट होता है वो बहुत ज्यादा। तो इसलिए अब मुझे क्या करना है, मेरा वाइब्रेशंस उनके लिए केवल सहयोगी के रहे। कौन सा, मुझे तो एक ही बार बार याद आता है, शिव शक्ति वरदान, बस मेरा खाली वरदानी फील। आज लिटरली हम अपनी प्रैक्टिस करेंगे, जैसे मैं शिव शक्ति और मेरे हाथों से किरणें पूरा टाइम जा रही है, यही है सत्वगुणी सहयोग देना एंड सहयोगी बनाएगा। एक तो हम सत्वगुणी है इस तरह सहयोग देंगे और उन आत्माओं को भी सहयोगी बनाएंगे, दोनों बातें हैं। बाबा ने कहा ना कि जैसा, क्योंकि इसमें ये है सहयोगी बनाना, जैसी मेरी स्थिति होगी ना प्रकृति भी मेरी वैसी सहयोगी बनेगी, तो वो वेरी नेचुरल है। तो अगर मेरी स्थिति सतोगुणी है तो प्रकृति का भी मुझे सतोगुण का सहयोग मिलेगा, मेरी स्थिति तमोगुण है तो प्रकृति का भी तमोगुण का सहयोग मुझे, मतलब प्रकृति मेरे लिए दर्दनाक हो सकती है। इसलिए होमवर्क आज के सारे दिन, मैं शिव शक्ति बाबा से मेरे ऊपर वरदान, मेरे ऊपर आ रही है और मैं वरदान दे रही हूँ। सारा समय अपना हाथ ऐसा रख सकते संकल्प होते हैं कि मुझे वरदान देना, बस कभी कभी वो फिजिकल पोज भी याद आता है ना तो इजी हो जाता है कि नहीं उसने कुछ किया, कहा नहीं, मेरे एक्सपेक्टेशंस मैच किए, वरदान तुम श्रेष्ठ, तुम महान, बस वरदान। तो अंटिल सिर्फ 4-12 बजे 6 बार, अब 3 दिन की बात है बस, फिर बाद में भले नहीं करेंगे, आज सीवियरली करें, 6 PM तक 10 टाइम और बाद में 10 टाइम 6 PM के बाद।
दस बार ये वाली फीलिंग इमर्ज करना है, ये वाला पोज हमारा इमर्ज करना है कि बाबा की मेरे ऊपर है और मेरे वरदानी हाथ सब जगह जा रहे हैं फिजिकली। मतलब ये फिर अगर नई काउंटिंग, मैंने ये भी देखा दो तीन दिन मैंने काउंटिंग नहीं किया तो मेरा ही कम हो गया, मैंने कहा ये रॉन्ग किया मैंने, मैं अपना एक्सपीरियंस है किसका नई काउंटिंग से काम हो जाता है देख लो। कि कुछ एम होता है, फिगर इसलिए दिया जाता है ताकि एम हो जाता है, नहीं तो कहते करते रहते हैं ना, हम तो करते ही है, हम बाबा को याद करते ही है और पूरा दिन कितना याद होता है हम सब। घी भी तो रखती हूँ, हाँ थोड़ा घी भी रखा है तो आज का भी होमवर्क है नीचे का शाम को विशेष हाल ये अन्य के लिए नेक्स्ट सकाश देंगे, अन्य के विघ्नों को, बहुत सारी आत्माएं हमारे पास रिक्वेस्ट भी आया है, ये विघ्न है वो विघ्न है, किसी के अपने संस्कारों का ही विघ्न होता है और कुछ नहीं, उन आत्माओं को भी क्या चाहिए, वही तो है। हाँ किसी के शरीर का विघ्न है आज का विशेष, फिर कल और परसों हमारा दूसरा बाबा के अन्य विघ्न के पास रहेगा, आज का विघ्नों को सकाश देना, जिन जिन के भी विघ्न हमें पता है उन आत्माओं को योग करेंगे। तो ये आज का पुशारत करेंगे सभी, 6-10-10 6:10:10 याद रखें, अच्छा रिमाइंडर है। ओके जी।